अबे साकिब मियां, बे भैया ये कैसा भूस भेसा बना रखा है तुमने। एकदम टकली वकली करवा के एकदम रेडी हो भैया। अब तो हमको ज्यादा कष्ट ना करना, पहले तो हमको मैच हरा के टकली करनी पड़ती थी, लेकिन भैया अब तो वैसे ही डायरेक्ट मैच हराओ और खोपड़ी चटका दो। बाकी भैया ये बढ़िया रहा तुम लोग आगे, वरना हमको तो ऐसा लग रहा था ये बांग्लादेश वाली भी सीरीज रद्दी होगी। अरे हम तो ये सोच रहे थे भाई डर के मारे तुम मुंह छुपा के कहाँ बैठे हो पता ही ना चल रहा, लेकिन फिर भी ये बढ़िया रहा कि तुम आ गए। अबे रोहित भाई जान बची तो लाख उपाय, टकली करवा के हम इंडिया आए। भैया टकली करवा के आ गए ये भी बढ़िया है, अगर हम टकली न करवाते तो भैया हाथ पैर टूट जाता हमारा। वो तो बांग्लादेश में तुमने देखा ना है माहौल क्या चल रहा है, जिसके हत्ते जो चढ़ जाए उसी को भैया तोड़ ताड़ के रख देते, ऐसा विरोध फैला हुआ है भाई क्या ही बताऊं मैं। बाकी हम तो ये कहते हैं कोई बात न है, हम तो ये सोच रहे थे भाई वो लड़ाई रट्टे के चक्कर में सीरीज कैंसिल ना हो जाए, लेकिन खेलेंगे टेंशन ना लो खेलेंगे, हम भी आए हैं हमारे साथ और भी खिलाड़ी आए हैं। बाकी टकली अकेली हमने करवाई है, अपनी जिम्मेदारी पे सबको लेके आए हैं। अबे साकिब मियां टकली तो यहीं पे हो जाते, इंडिया वाले ही कर देते भैया, दरोगा ही कर देते टकली के मामले में, तो भैया हम बढ़िया वाले एकदम नाई का काम करते हैं, हैवी वाला 3 साल का कोर्स करा है हमने टकली करने के मामले में, ऐसे कर देता एकदम चिकनी चांद। बाकी तुम बढ़िया रहे टकली वहीं से करवा के आए हो। अब तुम ये बताओ इंडिया वालों से तुम डर के मारे मुंह छुपा रहे थे या वास्तव में या बांग्लादेश में विवाद फैला हुआ है उसके चक्कर में तुम फंस गए थे। अरे दरोगा जी तुमको कहानी का पता ना है इसीलिए तुम्हारी जबान ज्यादा ही चल रही है। भैया बकवास करने से बेहतर होगा तुम हमारे यहाँ जाके एक बार माहौल को चेक करके आओ। वो माहौल बिगड़ा हुआ है भाई क्या ही बताऊं, जिसके हत्ते जो चढ़ जाए उसी को तोड़ ताड़ के रख रहे हैं। बाकी रोहित भाई हम तो बचते बचाते ऐसे तैसे निकल लिए भैया, हमने कहा भाई इंडिया ना पहुंचेंगे तो तुम लोग बेइज्जती करोगे, लेकिन फिर भी देख लो तुम्हारे सामने खड़े हैं, कल मैदान में उतर के आएंगे और तुम्हारी टीम की हवा टाइट कर देंगे। हमको ऐसा लग रहा है पहला मैच हम तुमको जरूर हराएंगे। अबे साकिब मियां कैसी लप्पू झरना बातें कर रहे हो। वह भैया हमको हराना तुम्हारे बस में कहाँ है, वो तो हम जानबूझ के हार जाएं वो अलग बात है, अगर हम जीतने पे उतर गए भैया फिर हमको कोई ना हरा सकता। बाकी हम तो ये कहते भाई तुम तो बकवास ही ना करो, एक तो तुम्हारी टकली है और भाई हमसे ज्यादा पंगा लोगे बकवास करोगे तो हमारी टीम इंडिया में क्या है गुस्सा वाले खिलाड़ी है, किसी को गुस्सा आ गया कभी खोपड़ा उपड़ा फोड़ दिया तो समझ लो टकली तुम्हारी एकदम चटक जाएगी। अबे चटका दूं क्या गौतम भैया, भैया जी तो ऐसा कर रहे चटका दूं हल्की सी उसी के बाद मैच की शुरुआत करे, लेकिन कोई फायदा ना है अभी से चटका देंगे तो ये ससुरी वाले बहाना बनाएंगे कि भैया हमारी चांद चटकी हुई है हम ना खेलने के। हम तो ऐसा सोच रहे भाई मैच में ही चटकाए वो बढ़िया रहेगा, जब मैच होएगा तो समझ लो रोहित शर्मा का चलेगा बल्ला और इनकी टकली पे हो जाएगा एकदम एकदम लाल हो जाएगी टकली, चटका चटका के ऐसे भैया ऐसा कर देंगे पातर सी फैला देंगे इनकी टकली की। जलवा हमारा जारी रहेगा तुम देखते जाओ, या बांग्लादेश वाले यहाँ आ तो गए हैं भैया सही सलामत, लेकिन यहाँ से अपनी टकली वकली फुड़वा के ही वापस जाएंगे।